नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डीके यादव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। ये लोगों तक आप कैसे पहुंचाएंगे? लोग इस वक्त सर्वाइवल मोड पे हैं, एग्जिस्टिंग मोड पे हैं, ये बिल्कुल जिंदा मोड पे नहीं है। आप बिल्कुल जिंदा नहीं रह रहे, तो आपका क्या ख्याल है कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं, दे विल सिट एट वन टेबल? ये सब इनकैश कर रहे हैं पीपल्स सेंटिमेंट्स, एंड दैट्स द बॉटम लाइन। इंटरनेशनल कंपनीज ने यहाँ पर अपना बिजनेस खत्म करने का वो क्यों प्लान किया उन लोगों ने कि वो इसी महीने तक अपना काम करेंगे, इसके पीछे क्या रीजन है? बस सद एहतराम, आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मुझे भी नजर आ रहा है, देखने वालों को भी नजर आ रहा है कि आपकी तबीयत खराब है। आपको दवाई नहीं मिल रही तो आम आदमी का क्या हाल होगा? दवाई तो उसको नहीं है। 6.7 अरब डॉलर 4 साल की तारीख का कम से सबसे कम तरीन ये रिजर्व का लेवल है लास्ट। और बेहाल हुआ हूँ कि दवाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल, खास तौर पे पैनाडॉल जो है वो बहुत बड़ा मसला है। ये तकरीबन 45 करोड़ जो पैनाडॉल की गोलियां हैं महीने में करती हैं। पैनाडॉल जो एक बुनियादी दवाई है जो कि मलेरिया में भी होती है, बुखार में भी होती है, और वो जो बुनियादी बीमारी हर चीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है, वो या तो मिलती नहीं है या मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। तो दवाइयों का एक मसला है। दवाइयाँ आप देखें, एक बुनियादी एसेंशियल आइटम्स में से एक चीज़ आती है, और ये खुराक से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि आपका जान जो मरीज़ होता है उसके लिए बहुत अहम होती है। और ये चलता जा रहा है इसका निज़ाम, क्योंकि उस दौर में एक बिल्कुल नेक्सस था। उस वक्त वो अख्तर साहब जो ड्रैब के थे, उनकी जली डिग्री निकल आई। एक दफ़ा उन्होंने, उनका अदालत में बताया गया कि वो मर गए। वो मरने के बाद कुछ अरसे बाद अदालत में आएगा जी, अब वो जिंदा हो गए, जिंदा हो गए। और साकिब निसार के ज़माने में बहुत ज़्यादा उनके जो समधी थे वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों में थे, और जिस तरीके से वो मिला जुला के कमरे में कहा फैसला करें, और वो किया गया, अदालत को भी इस्तेमाल किया गया, बहुत ज़्यादा सवाल थे उस ज़माने में, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था। तो अभी भी जो ये बहस है कि दवाइयों की कंपनियां कह रही हैं कि जाहिर है दुनिया में डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा हुई है, कि रॉ मटेरियल्स की कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे रॉ मटेरियल बड़े कम हैं जो कि पाए जाते हैं, बाहर से आते हैं, इंडिया से भी आता है, इंडिया से भी महदूद आता है, हालांकि ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि उनके यहाँ रॉ मटेरियल्स बहुत बनता है। दुनिया में सस्ती तरीन दवाइयाँ इंडिया में हैं, मगर चूँकि हमारा इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड नहीं अलाउड, तो वो कहते हैं कि जी कीमत बढ़ाएं। और जबकि एक पॉपुलर आवाम की एक वो होती है, और ये माजी में रहा हुआ भी है, कि वो कहते हैं कि इसके पीछे जो है माफिया हैं, कार्टेल्स हैं, इसके पीछे जो फार्मास्यूटिकल्स के मालिक हैं, ये इनकी मिली भगत है, ब्यूरोक्रेट्स के साथ ये मिलजुल के खा जाते हैं। तो ये एक इशू बहस चलती रहती है, मगर उसके अंदर जो है पैनाडॉल की एक खसूसी खास तौर पे है कि पैनाडॉल के लिए पहले ही जो है कई और दवाइयों की कंपनियां, वैसे बाय द वे ये इस हालात की वजह से इसलिए मालकान की कोई बात में वजन है कि छोड़ के जा रही हैं। पहले अमेरिकी कंपनी जो है एली लिली जो है वो नवंबर में प्रोफेशनल सर्विस बंद करने का ऐलान किया, फिर जर्मनी की कंपनी ने कभी फ्रीसोनियस भी भगजन से रुख्सत हो गई। अच्छा, फिर MST मर्क एंड जॉनसन एंड जॉनसन की फैक्ट्रियां भी बंद कर चुके हुए हैं, और अभी JSK जो कि सबसे बड़ी कंपनी है पैनाडॉल बनाने वाली, उनकी तरफ से भी इस तरह के आ रहे हैं कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। JSK अभी उसका ये है कि पैनाडॉल का जो एक बुनियादी है जुज एसेटिक एनहाइड्राइड, अच्छा ये जो हाइड्राइड है एनहाइड्राइड, ये पाकिस्तान में कहते हैं बनाया जाता है। अच्छा, मगर इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी, क्योंकि एफेड्रीन और ये उससे रिलेटेड है, तो ये गवर्नमेंट कोटास देती है, गवर्नमेंट की रेगुलेशन के बड़े मसाइल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब रेगुलेशन ख़राब रेगुलेशन है, कि जहाँ दिल करता है, मर्जी होती है तो वो ये करवा देते हैं। जो इसके मुखालिफ हैं इसकी कीमत के बढ़ाए जाने के, और बढ़ाई कीमत इस तरह की जाती रही कि पैरासिटामोल का जो खाम मटेरियल की कीमत 700 रुपये से बढ़कर 3600 रुपये तक जा पहुँची। 3600 सितंबर में कीमत कम होकर 1800 रुपये हो गई,
जून तक पंजाब हुकूमत ने पैनाडॉल 1.35 रुपए में खरीदी, फिर पैनाडॉल की कीमत 2018 में 90 पैसे, 2021 में 17 पैसे, 70 पैसे, 2022 में पैनाडॉल की फी गोली की कीमत बढ़कर 2.35 रुपए की होगी। वो उससे देखिए, कोई भी कारोबार है ना, वो एक कहते ना कि इस लाइक ए फिफ्थ क्लास मैथ, कि आप एक चीज खरीद रहे हैं, एक चीज बना रहे हैं और कुछ प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, और अगर आप मुसलसल किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को नुकसान पर बेचेंगे तो एक दिन वो कारोबार बंद होगा। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का रेट आपको पता है, इट्स अबव 30-35%। आपको यूटिलिटीज के रेट पता है कि पिछले 2 साल में कितने बढ़े हैं, रुपी कितना डी वैल्यू हुआ है, लेकिन जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है किसी भी दवाई की वो फिक्स है। उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, और वो अप्रूवल्स पिछले 2-3 साल से नहीं हो रहे। अब जब ऐसा हुआ कि फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सीडिंग और आपको प्राइस नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली पाकिस्तान कंपनी ने तो कहीं नहीं जाना, हम तो यहीं सर्वाइव करेंगे, हमारा अपना मुल्क है। बट द कंपनीज आर ऑपरेटिंग हियर, लेकिन क्या आप लोग इस बात को इंश्योर करते हैं या आप लोगों की तरफ से डायरेक्शन होंगी के प्राइसेस ना इंक्रीज हो? एक ऑलरेडी जाहिर है लोग परेशान होंगे कि दवाइयां मिल नहीं रही हैं, लेकिन जो मिल रही हैं वो बड़ी ही कीमत पे ना मिले। देखिए, हमने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनके साथ लाहौर में एक मीटिंग हुई थी और वहाँ हमने दिया, हमने कहा जी देखिए आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, नो इश्यूज, लेकिन आप फैसिलिटेशन तो कर सकते हैं। आपने सेल टैक्स लगा दिया 4% अद्वियात के ऊपर जो हम चार्ज नहीं कर सकते, तो वो 4% हमारी कॉस्ट का हिस्सा बन गया। आपने 1% रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी, वो हम चार्ज नहीं कर सकते आगे कस्टमर से, वो हमारी कॉस्ट का हिस्सा बन गया। तो कम से कम ऐसे जो टैरिफ रिलीफ्स हैं या ड्यूटीज के अंदर जो आपके सेल्स टैक्स हैं, पैकिंग मटेरियल पे हम 17% पे करते हैं, वो हम चार्ज नहीं कर सकते। तो अब जब आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली एक दिन आएगा कोई भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। डेफिनेटली अगर प्राइस बढ़ाना चाहते हैं, जी जी हम चाहते हैं कि ये जो आपने हमारे ऊपर टैक्सेस इम्पोज किए हैं सेल्स टैक्स की सूरत में, एडिशनल टैक्स की ड्यूटी में, जो हम चार्ज नहीं कर सकते, जो क्लेम नहीं कर सकते। सेल्स टैक्स का रूल ये है कि एक तरफ आप देते हैं, दूसरी तरफ चार्ज करते हैं। हाँ। लेकिन ये एक नो टैक्स लगाया गया जो हम तो पेंगे, हम किसी से चार्ज नहीं कर सकते, तो दैट इज पार्ट ऑफ अवर कॉस्ट ना। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल, क्या एग्जैक्टली सिर्फ 2 महीने का ही आप लोगों के पास रॉ मटेरियल बचा है? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। बाज कंपनीज हैं उनके पास 3 माह का इन्वेंट, एक जनरल जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस है दैट इज 3 मंथ्स, लेकिन कुछ लोग ज्यादा भी रखते हैं, कुछ लोग बिल्कुल 1 मंथ का रखते हैं। तो आई कैन नॉट जनरलाइज इट, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी एंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। बस प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनका मटेरियल मंगाते हैं वो साल के लिए भी चल जाता है, ठीक है। तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है। आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें वो पैसा भी है जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, वो सिर्फ दिखाने के लिए हमने रखा हुआ है, ये भी मसला है। वो फिर मैं सारे बता दूं तो पैनिक क्रिएट हो जाएगा कि हम कितने नेगेटिव हैं। बिलियन, मैं इतना कह सकता हूं, $10 अरब से ज्यादा हमारे रिजर्व्स नेगेटिव है, more than $10 billion। वो जो आपको नजर आता है कुछ 6 अरब डॉलर का प्राइवेट रिजर्व का लेवल, उसमें भी ऑलरेडी हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान $4.5 अरब बोरो कर चुकी है, तो वो उधर भी एक डबल काउंटिंग हो रही है। अब सूरत इस वक्त ये हो गई है कि 19 जनवरी 2019 के बाद ये रिजर्व्स का लोएस्ट लेवल है। मंथली जो इंपोर्ट बिल आपका पिछला आया था नवंबर का, वो था $5.2 बिलियन, बावजूद इसके कि बहुत ज्यादा हमने इंपोर्ट्स करटेल की हुई है। तो इस बैकग्राउंड में जो इकोनॉमिक इमरजेंसी का जो मैसेज है वो फ्लोट होता है, और वजारत खजाना इसकी बड़ी एक पुरजोर तरदीद कर चुकी है कि इकोनॉमिक इमरजेंसी हम नहीं लगा रहे। बेसिकली जो ये व्हाट्सएप मैसेज जनरेट हुआ था, सर्कुलेट हुआ था, ये लीजिए बेसिकली इकोनॉमिक इमरजेंसी, लेट से हम ये नहीं कह रहे कि लग रही है, लगती है, तो क्या मतलब है इसका इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाने का? देखिए, इकोनॉमिक इमरजेंसी का तो मतलब यह है ना कि आपकी हर चीज, आपकी जो रूटीन के वो एट हॉल्ट आ जाती है ना, और फिर स्पेशल अरेंजमेंट जो होते हैं स्पेशल, उसके तहत आपका सारा बिजनेस जो है वो चलना शुरू हो जाता है। बिजनेस एज यूजल नहीं होता है, इन सिंपल वर्ड्स आपको हर चीज के लिए मुख्तलिफ काम करना पड़ता है। नमस्कार दोस्त, जय हिंद दोस्त। पाकिस्तान में डॉलर लगभग बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, पाकिस्तानी स्टेट बैंक के पास भी $10 अरब नेगेटिव के फॉरेन रिजर्व हैं।
क्योंकि पाकिस्तान के पास बचे 6.7 बिलियन डॉलर, ना तो पाकिस्तान उन्हें खर्च कर सकता है और ना उनके हाथ लगा सकता है, क्योंकि उनमें से 3 अरब सऊदी अरेबिया के हैं, जो कि सऊदी अरेबिया ने सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक शर्त पर रखवाए थे कि पाकिस्तान इन पैसों के लिए किसी काम से नहीं लगा सकता। अब पाकिस्तान की हालत वो हो गई है कि पाकिस्तान से विदेशी कंपनियां भागने लगी हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान में डॉलर ही नहीं है तो उनके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, क्योंकि बाहर से जो भी पाकिस्तान इम्पोर्ट करता है उसके लिए डॉलर चाहिए, लेकिन डॉलर पाकिस्तान में है नहीं। पाकिस्तान से विदेशी कंपनियां दवाइयां बनानी बंद कर चुकी हैं और पाकिस्तान में दवाइयों की काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो चुकी है। आम आदमी का तो जीना मुश्किल हो चुका है बिल्कुल ही, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी पूरी तरीका से तबाह हो चुकी है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।